नमस्कार। पिछली बार जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में किस तरह से गांधी अपनी जो उनकी समझ थी उसके अनुसार उन्हें लग रहा था कि अगर इस समय हम अंग्रेजों की मदद करेंगे तो शायद वो हमारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, चूंकि हम उनके नागरिक हैं, वो शासक हैं, तो हमारा जो सहयोग उनके प्रति होगा वो शायद उन्हें प्रेरित करेगा इस बात के लिए कि वो हमारे लोगों के साथ, भारतीय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। या ये कहिए कि गांधी ये सोच रहे थे, क्योंकि गांधी इंग्लैंड में रहे थे, इंग्लैंड में उन्होंने देखा था कि लोकतंत्र ने कैसे महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को, सबको बराबर के अधिकार दिए हैं, कैसे कानून का पालन होता है, कैसे आम जनता को सुविधाएं मिलती हैं, कैसे आम जनता की बातें संसद के अंदर उठती हैं, और कैसे आम लोगों के खिलाफ अगर कोई चीज होती है तो न्यायालय में उस पर अपील हो सकती है, और न्यायालय आम लोगों के पक्ष में कई बार फैसला भी देता है। तो वो इसी तरह की न्यायपूर्ण व्यवस्था की उम्मीद भारत के लिए कर रहे थे। आप अगर हिंदू स्वराज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदू स्वराज में अंग्रेजों को देश से बाहर करने का मामला उतना नहीं था, बल्कि नहीं था बिल्कुल, मामला एक स्वराज स्थापित करने का था, जिस स्वराज के उन्होंने बहुत सारे लक्षण बताए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में अपनी इसी समझ के हिसाब से गांधी कोशिश कर रहे थे अंग्रेजों का सहयोग करने का, कोऑपरेशन करने का। लेकिन आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार तो जब गांधी गए तो उनको उसी बारडोली में, उसी सूरत में, उसी गुजरात में वह समर्थन नहीं मिला जो बारडोली सत्याग्रह के समय मिला था। तो उनके मन में यह समझ में कहीं ना कहीं आया कि लोग अंग्रेजों के राज में खुश नहीं है। लेकिन जो दूसरी घटना हुई और बड़ी घटना हुई, जलियांवाला बाग कांड, मैंने पिछली बार उसका जिक्र किया था, उसने गांधी के इस भरोसे को एकदम चकनाचूर कर दिया कि अंग्रेजी राज में हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर किसी तरह की न्यायपूर्ण व्यवस्था हो सकती है। गांधी ये समझने लगे कि इंग्लैंड उनका अपना देश है जहां उन्होंने शानदार लोकतंत्र स्थापित किया है, लेकिन उपनिवेशों में, भारत जैसे उपनिवेशों में वो राज करने आते हैं, इसलिए यहां की जनता को इंसान नहीं समझते। और जलियांवाला बाग कांड के बाद गांधी लगातार अंग्रेजों के खिलाफ होते गए। इसमें एक दिक्कत आ रही थी उनको बार बार, उस जमाने में भी वो बार बार देख पा रहे थे, श्रद्धानंद जी वाली घटना मैंने बताई, और भी चीजें थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो फर्क है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने देखा, बताया था मैंने कि 1857 का जब विद्रोह शांत हुआ, अंग्रेज उसको कुचलने में सफल हुए, तो उन्होंने बंबई की मीटिंग में, बंबई के जो गवर्नर थे उन्होंने कहा कि फूट डालो और राज करो, ये पुरानी लैटिन कहावत है, और हिंदुस्तान में अगर राज करना है तो इसको ही लागू करना होगा। और इसके लिए सबसे आसान काम यह था कि जो दो बड़ी कौमें थी यहां पर, हिंदू और मुसलमान, उनको आपस में लड़ा दो। अच्छा, सारा दोष अंग्रेजों का भी नहीं था, यह भी सोच लेना बड़ा गड़बड़ होता है कि अंग्रेजों में ही सारा दोष था। इस देश में हिंदू और मुसलमान पहले भी लड़ रहे थे, 1857 में अचानक वो एकता हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बड़ी दिक्कतें थी। एक तरफ मुसलमानों को लगता था कि हमारा राज था, बादशाह थे, मुगल थे, और उनको सत्ता से हटाकर अंग्रेज आ गए। एक तरफ हिंदुओं को लगता था कि जब शासक थे मुसलमान तो उन्होंने हमारा बड़ा शोषण किया था। अब शोषण करने वाले तो सत्ता में बैठे होते हैं, लेकिन जो दुश्मनी निकाली जाती है वो सत्ता में बैठे लोगों से तो निकाली नहीं जा सकती, तो वो आम लोगों से निकाली जाती है। तो इस तरह हिंदू मुसलमान के बीच में जो पहले से अंतर विद्यमान थे, जो पहले से दिक्कतें विद्यमान थी, उसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो की नीति को खूब बढ़ावा दिया था। तो हिंदुओं और मुसलमानों में गांधी देख पा रहे थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत दिक्कत है, और गांधी यह भी समझ पा रहे थे कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक नहीं होंगे तब तक आजादी जैसी किसी चीज, स्वराज जैसी किसी चीज, या यूं कहें कि अंग्रेजों की ताकत का मुकाबला करना लगभग असंभव था।
अच्छा, गांधी का जो लालन पालन हुआ था वो भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार था। देखिए, आम आदमी जो होता है ना, वो बचपन से जो खुद देखता है सबसे ज्यादा उसके ऊपर भरोसा करता है। तो गांधी के पिता और पुरखों के बारे में आप जानते हैं कि वो मुस्लिम शासकों के साथ काम कर रहे थे। गांधी के दादा का एक किस्सा आता है कि मुस्लिम अंगरक्षक ने उनको बचाया था। और गांधी का जो बचपन पोरबंदर में गुजरा था, उसमें उनके घर आने जाने वालों में, परिचितों में मुसलमानों की ठीक ठाक संख्या थी। इसलिए गांधी जानते थे कि हिंदू और मुसलमान के बीच का जो फर्क है, और फर्क नहीं, जो आपस की लड़ाई है, वो लड़ाई आंतरिक कारणों से कम है और बाहरी कारणों से ज्यादा है। मैं आपको ये बताऊं कि आशीष सुन रहे हैं, देवरिया के हम लोग रहने वाले हैं, आप लोग भी छोटे छोटे शहरों के रहने वाले होंगे। जब पहले उस तरह के मोहल्लों में जो लोग रहे ना, जहां हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, पिताजी के दोस्त हैं, कोई आपके, मतलब ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि आपके कोई, मान लीजिए कि चार मातहत हैं आपके घर में, नौकरी करने वाले लोग हैं, तो उनमें से एक आध मुसलमान है। या आपके पिताजी के दफ्तर में कुछ लोग साथ में काम करने वाले हैं, उनमें से एक आध मुसलमान है। आपके मोहल्ले में कुछ पैसे वाले मुसलमान हैं, कुछ गरीब मुसलमान हैं। तो बचपन से जब आप उनको देखते हैं ना, बचपन से उनके घर आना जाना होता है, बचपन से एक दूसरे के त्योहार में जाते हैं, दोस्तियां होती हैं, प्रेम होते हैं, ये सारा कुछ होता है, तो आप जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान में उस तरह का फर्क नहीं है जिस तरह का फर्क बताया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं गुजरात दंगे और बाकी दंगों के बाद सबसे बड़ा काम क्या होता है, दोनों को अलग अलग करने की कोशिश होती है कि मुसलमान अपनी बस्ती में, जिसको घेटवाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं, कि मुसलमान अपनी बस्ती में बस जाए, हिंदू अपनी बस्ती में बस जाए। दिल्ली जैसी जगह पर जब आप जाएंगे तो जिन सोसाइटीज में हिंदू रहते हैं उनमें मुसलमान नहीं रहते, जिनमें मुसलमान नहीं रहते उनमें हिंदू नहीं रहते हैं, तो ये दूरियां एक दूसरे से जो अपरिचय है वो अपरिचय बढ़ता जाता है, और इस अपरिचय के चलते एक दूसरे के साथ शको सुभा वाला माहौल बढ़ता जाता है। तो गांधी इस अपरिचय के शिकार नहीं थे। पोरबंदर में जहां उनका बचपन गुजरा था वहां ढेरों मुसलमान थे, उनके पुरखे मुसलमान शासकों के यहां नौकर रह चुके थे, उनके दादा को एक मुस्लिम अंगरक्षक ने बचाया था, और ये तो आप जानते ही हैं कि अफ्रीका जाने का जो सौभाग्य गांधी को मिला था, जिसने गांधी का जीवन बदल दिया था, वो भी एक, तो वो तभी लड़ी जा सकती है जब हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ेंगे। लेकिन देखिए, मैं बार बार कहता हूं, गांधी आम आदमी थे, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, जैसे सुनने वाले तमाम सारे लोग हैं, तो कई बार उनसे गलतियां भी हुई, और इस बार जो उनसे गलती हुई वो जानबूझ के तो नहीं हुई थी, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं थी, वो एक निर्णय उनका बहुत अच्छा नहीं था। हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन की तैयारियां चल रही थी, अली ब्रदर्स थे, दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली, इन लोगों ने मिलकर, और मौलाना आजाद साहब उसमें लगे हुए थे, जो अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मिडिल ईस्ट से पढ़ाई करके आए थे, यह खिलाफत आंदोलन एक खड़ा करना चाह रहे थे। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन एक ऐसी चीज थी जिससे हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं था। अगर उसके पहले का आप इतिहास देखेंगे तो तुर्की के साथ भारतीय मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं था, न तो सांस्कृतिक रिश्ता था, न तो कोई और रिश्ता था। हुआ यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले से ही धीरे धीरे जो पावर है, विश्व की जो शक्ति है, वो मध्य पूर्व से खिसक कर पश्चिम की तरफ जाने लगी थी। अगर आप उस दौर का इतिहास, उसके पहले का और इतिहास पढ़ें, ओटोमन साम्राज्य वगैरह के बारे में पढ़ें, तो तुर्की जो एक बड़ा राज्य, बड़ा देश था, जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी, जो बड़ा ताकतवर देश था, और जिसका जो प्रधान हुआ करता था वो खलीफा हुआ करता था, तो उसका धीरे धीरे वो अंदर से भी कमजोर हो रहा था। खासतौर पर अगर आप जेरूशलम का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि एक जमाना था जब विश्व शक्ति इसी पर निर्भर करती थी कि जेरूशलम आपके अधिकार में है या नहीं है, पवित्र स्थान माने जाने की वजह से। और प्रथम विश्व युद्ध में एक गलत निर्णय लिया खलीफा ने जर्मनी के साथ जाने का, जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया। अब जब हार गया तो खलीफा के पर कतर नहीं थे, तो अब उस खलीफा के समर्थन में हिंदुस्तान में एक खिलाफत आंदोलन शुरू करने की कोशिश की गई, जिसमें मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आजाद साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अगर आप देखें तो गांधी उसमें किसी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए नहीं गए थे। वैसे भी वो मुस्लिम साम्राज्य ही तुर्की में था, खिलाफत तुर्की में होनी थी। गांधी को यह लगा कि इस भरोसे हिंदू और मुसलमानों का दिल जीता जा सकता है, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है।
यानी खिलाफत आंदोलन में जो गांधी की भागीदारी थी वो बेसिकली हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने की कोशिश का हिस्सा थी। आप ये देखेंगे कि उस दौर में जब गांधी जाते हैं जगह जगह पर, जब गांधी जिंदाबाद का नारा लगता है तो गांधी कहते हैं कि गांधी जिंदाबाद का नारा मत लगाओ, महात्मा गांधी जिंदाबाद का नारा मत लगाओ, क्या नारा लगाओ? वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद का नारा लगाओ, हिंदू और मुसलमान जिंदाबाद का नारा लगाओ, कौमी एकता जिंदाबाद का नारा लगाओ। आप देखते हैं कि वो जहां भी जाते हैं भाषण देने के लिए, खिलाफत पर अगर दो लाइन बोलते हैं तो 20 लाइन इस बात पर बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमान जब तक एक नहीं होंगे तब तक बर्तानिया की जो ये बड़ी ताकत है उस ताकत के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता। बहुत आलोचना होती है, संघी लोग व्हाट्सएप ग्रुप चलाते रहते हैं, खिलाफत खिलाफत करते रहते हैं, जिनको मुखालिफत और खिलाफत के बीच का अंतर नहीं है वो भी खिलाफत पे भाषण दे जाते हैं। लेकिन उनसे पूछिए कि खिलाफत आंदोलन तो तुर्की में जो खलीफा थे उनकी ताकत को पुनर्स्थापित करने के लिए हो रहा था, एक तरह से कहें तो उनको नैतिक समर्थन देने के लिए हो रहा था, और उनको जो दिया जा रहा नैतिक समर्थन था वो विरोध किसका था? वो विरोध था ब्रिटिश शासकों का, क्योंकि वो बर्तानिया से, ब्रिटेन से हारे थे वो, और बदले में उस हार की वजह से ब्रिटेन उनके पर कतरना चाहता था, जो उसने कतरे भी, और मध्य पूर्व में अपना पैर फैलाना चाहता था। जो इतिहास के अध्येता हैं वो जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही फलस्तीन को बर्बाद करने की साजिश रची गई। जर्मनी में जो कुछ हिटलर ने किया था उसकी शर्मिंदगी निकालने की कोशिश की गई, और केवल जर्मनी में नहीं, पूरे यूरोप में, रशिया में यहूदियों का नरसंहार हुआ था। लेकिन कीमत चुकाने के लिए किसको आगे लाया गया? फलस्तीन को आगे लाया गया। यह नहीं हुआ कि जर्मनी में ही एक इलाका निकाल दिया गया कि भैया तुम यहां रहो, या यूरोप में ही उनको एक देश दे दिया गया कि हमने तो आपके साथ बड़ा अत्याचार किया है, अब ये देश लीजिए, इज्जत से रहिए, या इससे भी कम, कम से कम अपने कानूनों में ऐसा परिवर्तन कर दिया गया कि हर देश में ऐसा नहीं किया गया कि हर देश में एक इलाका दे देते कि भैया यहूदियों तुमको हमने बहुत सताया है, ये तुम्हारे सुरक्षित जोन है, इसमें रहो। किया क्या गया? किया ये गया कि फलस्तीन जो एक हरा भरा इलाका था, जहां गांव थे, जहां लोग रह रहे थे, जहां चलती फिरती अर्थव्यवस्था थी, इजरायलियों को खुली छूट दे दी गई कि वहां जाकर रहें। और जो इजरायली हिटलर के सताए थे, यूरोप के सताए थे, वो हिटलर से तो बदला नहीं ले सके, यूरोप से तो बदला नहीं ले सके, रशिया से तो बदला नहीं ले सके, उन्होंने वहां फलस्तीन में जाकर जो गरीब मुसलमान थे, जो फलस्तीन में रह रहे थे, वहां के गांव में रह रहे थे, उनका नरसंहार किया, गांव के गांव खाली करा लिए, और ऐसे व्यवहार किया जैसे फलस्तीन में कोई यूरोप ने भी और इजरायलियों ने भी ऐसे व्यवहार किया जैसे फलस्तीन कोई खाली जमीन थी जहां उनको बसने का अधिकार दे दिया गया। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ये तमाशा हुआ उस तमाशे का परिणाम दुनिया अभी तक भुगत रही है। मध्य पूर्व में शांति जैसी चीज आज तक स्थापित नहीं हो गई, कभी जॉर्डन जलता है, कभी सीरिया जलता है, कभी टर्की जलता है, फलस्तीन तो जलता ही रहता है। तो अगर उस समय बर्तानिया सरकार के इस व्यवहार पर गांधी विरोध दर्ज कराते हुए खिलाफत के साथ खड़े थे तो उसमें हिंदुस्तान का क्या नुकसान था कि आज तक लोग रोना रोते हैं? अगर गांधी खिलाफत आंदोलन के बहाने एक तरफ हुकूमत बर्तानिया को चैलेंज कर रहे थे और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और इस कोशिश से पेट में दर्द होता है किसी के, तो यकीन जानिए वो वही लोग हैं जो तब भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता नहीं चाहते थे और आज भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता नहीं चाहते हैं। आप हजार साल पुराने मंदिर, हजार साल पुराने मस्जिद की लड़ाई लड़िए तो वो जस्टिफाइड है, और गांधी खिलाफत के सिस्टम के पक्ष में अगर खड़े हो गए तो वो अनजस्टिफाइड है।
मैं एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर, एक सेकुलर व्यक्ति के तौर पर, यह बिल्कुल मानता हूं कि खिलाफत के आंदोलन जैसी कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए थी, और अगर हुई भी तो उसको समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मैं ये भी जानता हूं कि इस खिलाफत का हिंदुस्तान के ऊपर कोई असर नहीं होना था। हिंदुस्तान में कोई खलीफा नहीं आ रहे थे राज करने के लिए, और इस खिलाफत आंदोलन का उपयोग अगर किया गांधी ने तो वो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए किया। दो बड़े प्रतीक उठाए गांधी ने देश भर में प्रचार करने के लिए, पहला सिखों का नरसंहार जो कहां हुआ था, जलियांवाला बाग कांड में, और दूसरा खिलाफत आंदोलन यानी इंटरनेशनल लेवल पे हुकूमत बरतानिया जो अन्याय कर रही थी उसके खिलाफ खड़े होने का मामला। वैसे मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, सब यार दोस्त लोग परिचित लोग हैं, ये गलती हम लोग हमेशा उर्दू की करते हैं, खिलाफत का मतलब विरोध मान लेते हैं, मुखालिफत है विरोध और खिलाफत है खलीफा का राज, जिसका जिस मूवमेंट की मैंने बात की। ये थोड़ा विषयांतर हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा, आगे बढ़ता और खिलाफत और जलियांवाला बाग कांड को सामने लाकर जो गांधी प्रथम विश्व युद्ध के समय सहयोग की बात कर रहे थे वो अब हुकूमत बरतानिया अंग्रेज सरकार के प्रति असहयोग की बात कर रहे थे। और इस तरह गांधी का आंदोलन एक दूसरे फेज में प्रवेश करता है जहां अहिंसा के साथ एक और चीज जुड़ती है, असहयोग। गांधी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन, यानी हम हिंसा नहीं करेंगे, पत्थर नहीं चलाएंगे, आग नहीं लगाएंगे, लेकिन असहयोग करेंगे, यानी आपका सहयोग भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये असहयोग का जो पूरा मामला है हवा हवाई नहीं था। अभी आप लोगों को एक सूचना देते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, जिसके चलते मैंने अपने वीडियोस बंद किए हुए हैं। बहुत जल्दी आपके समक्ष एक वेबसाइट होगी क्रेडिबल हिस्ट्री के नाम से, जिसमें इतिहास के ये सारे तथ्य स्रोत के साथ हम देंगे, और बहुत सारे जो व्हाट्सएप प्रचार होते हैं उन व्हाट्सएप प्रचारों का भी विरोध करेंगे। मैं उसके लिए भी आपसे सहयोग और समर्थन की मांग कर रहा हूं। तो उसके लिए रिसर्च करते हुए कुछ चीजें आई थी जिनको पढ़ते हुए मुझे लगा कि अच्छा, असहयोग आंदोलन को ऐसा माना जा रहा है कि रातों रात गांधी का दिमाग खराब हुआ और असहयोग आंदोलन हुआ। अरे भाई, वो साधारण आदमी थे लेकिन असाधारण बनने की तरफ बढ़ चुके थे। वो साधारण आदमी थे लेकिन विश्व इतिहास की अनूठी समझ रखते थे। वो साधारण व्यक्ति थे लेकिन असाधारण थी उनकी वह आवाज जिसके पीछे हजारों लाखों लोग चल पड़ते थे। और इसलिए असाधारण हुई थी वह आवाज कि एक तरफ उसमें निष्ठा थी तो दूसरी तरफ तर्क की कमी नहीं थी। मैं जानता हूं कि इस दौर में बहुत सारे लोगों ने गांधी को तानाशाह भी कहा, लेकिन देखिए एक चीज होती है कमिटमेंट। जब मुझे पता होता है कि मैं सही हूं तो चाहे हजार लोग उसका विरोध कर रहे हों, मैं उसके पक्ष में खड़ा होता हूं। यह तानाशाही नहीं है, यह सत्य के प्रति निष्ठा है। तानाशाही तब होती है जब सत्य और असत्य की परवाह किए बिना सिर्फ सत्ता, सिर्फ ताकत, सिर्फ अधिकार प्राधिकार के लिए अन्याय किया जाता है। गांधी ने कभी किसी सत्ता की साझेदारी नहीं की, गांधी ने अपने पास कभी कोई बड़े प्राधिकार नहीं रखे, तो वो तानाशाह कैसे हो सकते हैं। खैर, असहयोग आंदोलन पर मैं बात कर रहा था। गांधी ने असहयोग आंदोलन के चार चरण बनाए थे, और चारों चरण आप देखेंगे तो धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़कर झंडा गाड़ने की, झंडा थामने की कवायद थी। वो जानते थे कि हिंदुस्तान के लोग अभी तैयार नहीं है बड़े विद्रोह के लिए, इसलिए वो धीरे धीरे विद्रोह के पथ पर उनको ले जा रहे थे। पहला क्या था, बड़ा आसान था, जैसे पुरस्कार वापसी हुई थी कि भाई अंग्रेज सरकार ने जो आपको उपाधियां दी हैं, मेडल दिए हैं, ये सारा कुछ वापस कर दिए। ये आसान काम होता है, ये करना सहज था बहुत सारे लोगों के लिए, उन लोगों ने किया। दूसरी थोड़ी मुश्किल चीज थी, वकीलों से कहा वकालत छोड़ दो, सरकारी नौकरी करने वालों से कहा सरकारी नौकरी छोड़ो, छात्रों से कहा कि सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों और स्कूलों से बाहर आओ। ये उस वर्ग के लिए था आह्वान जिसके अंदर चेतना आ चुकी थी।
तीसरा आह्वान सैनिकों से था, ये थोड़ा मुश्किल आह्वान था। सैनिकों से उन्होंने कहा कि हथियार छोड़ो अपना, अंग्रेजी सेना की गुलामी छोड़ो। और चौथा था सबसे मुश्किल, जो अंग्रेजों के लिए सबसे दिक्कत तलब था, दिक्कत पैदा करता था, और वो ये था कि टैक्स देना छोड़ दो। सरकार हमारे टैक्स से चलती है, अगर सरकार हमारी बात नहीं कर रही है, अगर सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं हो रही है, तो हम टैक्स नहीं देंगे। और आप जानते हैं, चाहे अंग्रेजों की सरकार हो चाहे हिंदुस्तानी सरकार हो, चलती तो हमारे टैक्स से। और जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो केवल इनकम टैक्स की बात नहीं है। आजकल बड़े विद्वान लोग कहने लगे हैं 4% लोग टैक्स देते हैं, 9% लोग टैक्स देते हैं। जब दिन भर मजदूरी करके एक मजदूर जाता है, एक बीड़ी बंडल खरीदता है ना, 3.5 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, उसमें भी टैक्स होता है। जब बीमार पड़ता है, पैरासीटामॉल की एक गोली खरीद के लाता है, उस पर भी टैक्स होता है। बाजार से दाल खरीदता है, अंडा खरीदता है, चाय खरीदता है, शराब खरीदता है, जो खरीदता है सब पर टैक्स होता है। यानी देश का एक एक नागरिक टैक्स देता है। सिर्फ वह नागरिक टैक्स नहीं दे सकता है जो कुछ खरीद ही नहीं सकता है, जो कुछ भी खरीदता है अपना पेट भरने के लिए, अपना तन ढकने के लिए, हर वो व्यक्ति टैक्स देता है। जाकर रिकॉर्ड दुनिया भर का देख लीजिए, डायरेक्ट टैक्स से कोई सरकार नहीं चलती है, इनडायरेक्ट टैक्स से सरकार चलती है। ऐसे ही नहीं है कि लॉकडाउन खुलता है सबसे पहले शराब की दुकान खोल दी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स वहीं से आता है। तो टैक्स न देने का जो यह आह्वान था, जाहिर तौर है इनडायरेक्ट, जाहिर तौर से इनडायरेक्ट पर तो नहीं रोक सकते थे वो, उसके लिए उन्होंने क्या किया मैं बात करूंगा अभी आपसे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो दिए जा रहे थे, प्रत्यक्ष कर जो दिए जा रहे थे, वो कर देने से उन्होंने कहा कि इनकार कर दीजिए। और इनडायरेक्ट के लिए क्या किया? इनडायरेक्ट के लिए स्वदेशी था ना, चरखा था ना बापू का। उन्होंने कहा अंग्रेजों के कपड़े मत पहनो, वो चिकने रेशमी कपड़े मत पहनो जो मैनचेस्टर की मिलों से बनकर आते हैं, जिनके लिए कपास हमारे यहां से जाता है, मजदूरी हमारे लोग करते हैं, खटते मरते हमारे लोग हैं, और वहां से प्रोसेस होके कई गुना कीमत पर हमारे बाजारों में बिकता है। ऐसी चीजें मत खरीदो, चरखा चलाओ, अपना कपड़ा खुद बुनो, मोटा झोटा पहनो, खद्दर पहनो। क्यों? भारतेंदु याद है ना, पैधन धन विदेश चल जात वाला जो उनका है, कि हमारी कमाई मैनचेस्टर के मिलों में जो जा रही है, वहां के पूंजीपतियों में जा रही है, वो ना जाए। जिस लूट की बात बरसों से हो रही थी, जिस पर किताबें लिखी गई थी, उसको प्रैक्टिकली रोकने का ये तरीका था स्वदेशी, और इसलिए गांधी ने स्वदेशी का आह्वान किया। खैर, बात असहयोग आंदोलन की हो रही थी। 1 अगस्त 1920 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब हिंदुस्तान आए, तो असहयोग आंदोलन की चर्चा पूरी तेजी से चल रही थी। और सिर्फ इतना नहीं था, अब तक आजादी की बात ही नहीं की थी कभी कांग्रेस ने। गांधी ने घोषणा की, 1 साल के भीतर हमें स्वराज मिल सकता है। आप आश्चर्य करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी ने भी उस समय गांधी का मजाक उड़ाया था और यह कहा कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और सच था, ऐसा बिल्कुल संभव भी नहीं था। लेकिन जनता को जगाने के लिए एक ऐसे नारे की जरूरत हमेशा होती है, जिसके बारे में ये शक तो होता है कि जाने पूरा होगा या नहीं, लेकिन जिस नारे में ऐसा जादू होता है कि लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। याद कीजिए, उसी सुभाष बाबू ने क्या नारा दिया, दिल्ली चलो। सुभाष बाबू भी कहीं ना कहीं तो जानते ही होंगे कि इतनी बड़ी सेना को हरा पाना आसान काम नहीं है, लेकिन जब वो दिल्ली चलो कहते हैं, तो वो सारे सैनिक जो वर्षों से विदेश में रह रहे हैं, वो सारे सैनिक जो मूलतः अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए थे, फिर कैप्चर हुए थे, बचे बचे थे और यहां शामिल हुए थे आजाद हिंद फौज में, उन सारे सैनिकों के लहू में एक बिजली दौड़ जाती होगी देशभक्ति की, जब सुभाष बाबू कहते होंगे दिल्ली चलो। जिस दिल्ली पे वायसराय का राज था, जिस दिल्ली पे हुकूमत बरतानिया का राज था, जिस दिल्ली पर यूनियन जैक फहराता था, उस दिल्ली पर जब वो तिरंगे की कल्पना करते होंगे, तो ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। सोचिए उन सैनिकों के लहू में किस तरह से बिजली दौड़ती होगी। तो ये जो असंभव के नारे होते हैं,
ये संभावनाओं को जिंदा कर देते हैं, उम्मीदों को जिंदा कर देते हैं। कई बार जब आपको लगता है कि अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, उस समय एक ऐसा नारा संपूर्ण राष्ट्र के मन में ऐसा उत्साह भर देता है कि वो लोग जो कल तक अपनी सुरक्षित घेरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, वो बड़े बड़े आतताई के तोपों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये एक साल के भीतर स्वराज वाली बात जो गांधी ने की थी, या असहयोग आंदोलन की जो बात की थी, इस नारे ने भारतीय जनता में वही ताकत भरी। बहुत सारे लोग जो जिनका गांधी खुद बहुत सम्मान करते थे, मसलन रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हें खुद लगता था कि गांधी जो है वो पथ से भटक रहे हैं, बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज से निकाल रहे हैं, ये बच्चे फिर क्या करेंगे, और तमाम सारी बातें गांधी से असहमतियां आती थी, क्योंकि असहयोग की बात रविंद्रनाथ टैगोर को भी समझ में नहीं आती थी। वो तो कम से कम अकादमिक स्तर पर और बाकी सारी चीजों पर पश्चिम से सहयोग की बात कर रहे थे, गांधी तो बिल्कुल अलग बात लेकर आए थे। गांधी तो एक ऐसे राष्ट्रवाद की बात लेकर आए थे जिसकी जड़ें इस धरती में थी। शिक्षा, चिकित्सा, कितना भी आपको नॉन प्रैक्टिकल लगे, लेकिन सबके भारतीय विकल्प वो लेकर आए थे। जो आज रामदेव बाबा इतना हल्ला कर रहे हैं, उस आयुर्वेद की बात तो गांधी ने करनी शुरू की थी उस दौर में, और उसके बदले में कोई पैसा भी नहीं लिया था, मतलब उस इलाज का। खैर, तो ये जो गांधी का एक कमिटमेंट था, इन तमाम सारे विरोधों के बावजूद गांधी जो अपनी बात को लेकर कमिटेड थे, उसने जनता के अंदर एक ताकत तो भरी, जनता के अंदर एक आक्रोश तो भरा, जनता के अंदर एक उम्मीद तो भरी। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी थी कि असहयोग तो लोगों को ठीक से समझ में आ गया, अहिंसा नहीं समझ में आई। लोग इस बात को नहीं समझ सके, या शायद इस बात के लिए अभी तैयार नहीं थे कि गांधी जिस नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अहिंसक असहयोग की बात कर रहे हैं, अगर उसमें जरा सी हिंसा आती है तो उसका पूरा का पूरा मानी ही गड़बड़ हो जाता है। देखिए, बहुत किस्से कहानी सुनाए जाते हैं, मतलब गांधी को लेके तो मुझे लगता है हर आदमी के पास एक थ्योरी है। असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था, देश में निराशा हुई, ये हुआ वो हुआ। भाई, गांधी के लिए आदर्श बहुत जरूरी थे। अभी एक घटना हुई है, आप जानते हैं, जिसमें दो प्रकाशकों ने अपनी अपनी किताबें वापस ले ली हैं। अगर किसी बिजनेसमैन से बात आप करेंगे, जो प्योर बिजनेसमैन होगा, लाभ और हानि के अलावा जिसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, तो वो कहेगा ये तो मूर्खता है, जो किताब बाजार में बिक रही थी क्यों वापस लेना, उसका तो कहीं कीमत नहीं जाएगी, उसकी तो कहीं से कीमत नहीं आएगी, वो तो बर्बाद हो जाएगी, आपने हजारों का जो इन्वेस्टमेंट किया था वो बर्बाद हो जाएगा, ये तो गलत निर्णय है। लेकिन जहां नैतिकता इन्वॉल्व होगी, जहां हिंदी साहित्य के पाठकों के साथ ईमानदारी की बात होगी, वहां इस निर्णय का हमेशा स्वागत किया जाएगा कि आलोचना के शलाका पुरुष हम सबके सम्माननीय नामवर सिंह जी को लेकर जब कोई ऐसा तथ्य आया जिस तथ्य को लेकर मूल स्रोत और जहां जो किताब में लिखा गया है उसके बीच में अंतर है, तो हमारे दो बड़े प्रकाशकों ने सम्मान पूर्वक यह निर्णय लिया कि नहीं, पैसे को हम महत्व नहीं देंगे, हम इस बात को महत्व देंगे कि सही चीज पाठक के पास पहुंचे। तो जहां नैतिकता का प्रश्न होता है, उसे आप सिर्फ लाभ और हानि से कैसे देख सकते हैं? अहिंसा का प्रश्न गांधी के लिए जीने और मरने का प्रश्न था। अहिंसा उनके लिए कोई टैक्टिस नहीं थी। इस बात को मैं बार बार समझाता हूं और बार बार इस पर मेरी बहस होती है। इट वॉज नॉट अ टैक्टिस। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज बड़े मजबूत थे तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम हथियार तो नहीं चला सकते हैं, तो अहिंसा के थ्रू चलेंगे। इसका मतलब तो यह होता है कि जब हम मजबूत हो जाएंगे तो हथियार भी चलाएंगे। अहिंसा गांधी के लिए जीवन मूल्य थी। अहिंसा गांधी के लिए नैतिकता का सबसे उच्चतम आदर्श था। अहिंसा गांधी के लिए धर्म का चरम उत्कर्ष था, चरम निष्कर्ष था। इसलिए अहिंसा एक ऐसी वैल्यू है जिसके साथ गांधी समझौता नहीं कर सकते थे।
आप जानते हैं कि लॉर्ड रीडिंग्स जब आए 1900 मेरे ख्याल से अप्रैल 1921 में आया और फरवरी में उनसे बात हुई, अगले साल फरवरी में लंबी बातचीत शिमला में हुई, 12-14 घंटे उनसे बातचीत चली। उसमें भी गांधी ने इस बात पर बार 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 जोर दिया कि हम संघर्ष तो करेंगे लेकिन वो अहिंसात्मक संघर्ष होगा। गांधी ने खुलेआम कहा कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो शासन इंसानी या रूहानी नहीं है, वो शैतानी शासन है। लेकिन इस शैतानी शासन के खिलाफ संघर्ष जो होगा वो दैवीय होगा, वो इंसानी संघर्ष होगा। तो जिस अहिंसा को इंसानी मानते ही नहीं थे गांधी, उस अहिंसा को त्याग कर कोई संघर्ष कैसे कर सकते थे? चौरी चौरा में जो हुआ वो सहज था, उन वीरों के प्रति मेरे मन में सम्मान है, लेकिन उसने गांधी के अहिंसा के आदर्श को खंडित किया। आप सोचिए वो आग फैलती तो क्या होता। जो एक शानदार असहयोग का आंदोलन अहिंसा के आधार पर गांधी ने खड़ा किया था वो हिंसा के चपेट में चला जाता। गांधी की विश्वसनीयता ही नहीं, गांधी की नैतिकता भी हमेशा के लिए खंडित हो जाती। दुनिया भर के मंचों पर खड़े होकर जो उन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की थी, अपने जीवन में जिस अहिंसा को उतारा था, ये किस हद तक था ये बता के मैं आज की बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। गांधी प्रतीकों की तलाश में थे, इस अहिंसा के लिए प्रतीकों की तलाश में थे। कई सारी चीजें हिंदुस्तान के लिए झंडे की उन्होंने कल्पना की कि उसमें लाल रंग होगा, हरा रंग होगा, सफेद रंग होगा, उसके पीछे उनके आदर्श थे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें वो धीरे 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 क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे थे प्रतीक डेवलप करने की। जिस समय वो मदुरा में थे, 1921 की बात है, सितंबर का महीना था, उन्हें अचानक सूझा कि इस अहिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक तो गांधी खुद हो सकता है। उन्हें अचानक सूझा कि इस अहिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक तो सबसे पहले मुझे होना चाहिए, और उसी क्षण उन्होंने फैसला किया कि वो शरीर ढकने के लिए सिर्फ एक वस्त्र पहनेंगे जो लंगोटी होगी। क्या था ये? किसी को लग सकता है कि सिर्फ एक विजुअल तमाशा है, गांधी के लिए क्या था वो? गांधी के लिए वह एक ऐसे देश में जिसके बहुतायत को भोजन और कपड़ा भी उस समय नहीं मिल रहा था, आम जनता के साथ एकाकार होने का मामला था। इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है कि जिस देश में लाखों लोग भूखे मर रहे हों, उस देश के नेता जो हैं वो करोड़ों का सूट पहने, बड़े जहाजों से घूमें, रोज के खाने का खर्चा हजारों और लाखों में हो, सुरक्षा का खर्चा करोड़ों में हो, इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है? कल्पना कीजिए कि आपको कई दिन से भूख लगी है और सामने बैठकर कोई सुस्वादु भोजन कर रहा है, सोचिए आपकी आत्मा पर कितनी बड़ी हिंसा है। इसीलिए गांधी ने अपने पूरे जीने का तरीका बदल दिया। तीसरे दर्जे में सफर करना, आम लोगों के घर में रुकना और एक ऐसा वस्त्र धारण करना जो गांव का किसान धारण करने के लिए मजबूर है। इसीलिए गांधी की आलोचना करते हुए जब बहुत सारी बातें होती हैं तो उसमें इस बात को किनारे कर दिया जाता है, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि गांधी पार्षद से एमएलए, एमएलए से एमपी, फिर मुख्यमंत्री, फिर मंत्री, फिर प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में लगे कोई नेता नहीं थे। गांधी किसी ऐसे रूमान से भी संचालित नहीं थे जिसमें नाखून कटा के शहीद बन जाया जाता है। गांधी 40 की उम्र में लगभग अपने जीवन के लिए अहिंसा को एक आदर्श बनाकर, अपना जीवन मूल्य बनाकर राजनीति में प्रवेश करने वाले एक साधारण से व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने इन मूल्यों के चलते, जिन्होंने अपनी इस दृढ़ प्रतिज्ञा के चलते और जिन्होंने अपनी जिद और संकल्प के चलते, न्याय के प्रति अपनी आस्था के चलते इतिहास में एक असाधारण उपस्थिति दर्ज कराई
और इसीलिए चौरी चौरा की वो घटना और उसके पहले की कुछ और छिटपुट घटनाएं जिनमें असहयोग आंदोलन में हिंसा के प्रवेश की आहटें मिलने लगी थी, तेज आहटें मिलने लगी थी, इन सब ने गांधी को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या देश अहिंसा के लिए तैयार है, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अहिंसा की इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है कि वो राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन खड़े कर सकें। उनकी समझ में आया कि अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी इसके लिए बहुत सारे आत्म बलिदान की जरूरत है, अभी इसके लिए अपने उदाहरण प्रस्तुत करने की जरूरत है, अभी इसके लिए उनसे और अधिक आत्मीय संबंध बनाने की जरूरत है, अभी इसके लिए आंदोलन को और तेज किए जाने की जरूरत है दूसरे स्तर पर। इसीलिए असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद देश में जो पस्ती छाई उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उस पस्ती के बाद जिस तरह से गांधी अपने सामाजिक आंदोलन को लेकर सामने आते हैं और फिर उसके सहारे राजनीतिक परिवर्तन की दशा और दिशा तय करते हैं, खुद उदाहरण बनते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं को उदाहरण बनने के लिए प्रेरित करते हैं, उसी का परिणाम था कि नमक आंदोलन में इतनी लाठियां चली लेकिन हिंसा कहीं नहीं हुई। एक गौरवशाली अहिंसात्मक आंदोलन का उदाहरण पेश किया गांधी ने खुद। तो आगे हम सुरेन सिंह जी आप बहुत जल्दी में हैं, भूख तो उस सावरकर की थी वीर बनने की, जिसे जब कोई वीर नहीं कह रहा था तो उसने खुद एक फर्जी नाम चित्रगुप्त के नाम से एक किताब लिखी जिसमें सावरकर को वीर सावरकर कहा, और बापू तो गुजरात में हर बूढ़े को कहा जाता है, बा और बापू मतलब पिता और माँ, अगर आप भारतीय होते, भारतीय संस्कार आपको पता होते तो आपको दूसरी जगहों के बारे में ही पता होता, सिर्फ अपने मोहल्ले या अपने घर के बारे में नहीं पता होता, आपको ये पता होता कि गांधी को बापू तो उनके बच्चे कहते थे, गांधी को बापू तो वो लोग कहते थे जो लोग उनके साथ रहते थे, उम्र में उनसे छोटे थे और पिता की तरह उनको सम्मान देते थे, जैसे हम पड़ोसी को चाचा कह देते हैं, किसी को मामा कह देते हैं, लेकिन ये संस्कार भारतीयों के अंदर ही हो सकते हैं, सावरकर के उन शिष्यों के अंदर नहीं हो सकते जो हिटलर से नस्ली अहंकार सीखते हैं। वो ये कभी नहीं समझ सकते कि ये देश गांधी को बापू इसलिए कहता था क्योंकि पिता तुल्य समझता था। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि गांधी की तुलना में बहुत छोटे एक नेता शंकर सिंह वाघेला को गुजरात में बापू कहा जाता है। तो सवाल पूछिएगा, सवालों के जवाब दूंगा मैं, लेकिन मूर्खतापूर्ण बातों से आप अपना चेहरा ज्यादा दिखाते हैं, गांधी की बात कम करते हैं। गांधी पर सवाल करने से पहले जरा उनके बारे में पता कीजिए, उस सावरकर के बारे में, उस हेडगेवार के बारे में, उन संघी लंपटों के बारे में जो गांधी के ऊपर सवाल करते हैं। ये सारा कुछ मैं अगली बार आगे 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 और लेकर आऊंगा, किताब में तो लिख ही चुका हूं, जिन लोगों की पढ़ने में रुचि है उसने गांधी को क्यों मारा पढ़ाई होगा, आपने ना पढ़ा हो तो पढ़ सकते हैं। तो खैर इस बार थोड़ा अलग तरह का अंत करना पड़ा, अचानक मेरी नजर एक कमेंट पर पड़ गई, लेकिन आगे हम बात करेंगे अगली बार यहां से नमक आंदोलन तक की यात्रा, उसके बाद 1942 की बात करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे उस ओर जिस ओर देश की आजादी थी, कुछ लोग देश का बंटवारा करने पर तुले हुए थे, गांधी अपनी पूरी कोशिशें कर रहे थे। एक और बात कर लूं, मैंने सोचा था कि वो बात जरूर करूंगा। आप देखिए होता क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब उस समय सेकुलरिज्म के प्रतीक थे और खिलाफत आंदोलन का उन्होंने जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन वही मोहम्मद अली जिन्ना 1942 के बाद ऐसे सांप्रदायिक हुए कि देश को बांट के दम लिया। गांधी जो इस नियत के साथ खिलाफत आंदोलन में गए थे कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो सकती है, सारी जिंदगी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे, आजादी को रोकने के लिए जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश की, और जब नहीं रोक पाए आजादी नहीं सारी विभाजन को रोकने के लिए, और जब विभाजन नहीं रोक पाए
तो विभाजन के बाद जो हिंसा फैली हुई थी उसको रोकने की कोशिश में अपनी जान दे दी। सोचिएगा ऐसे बदलाव कैसे आते हैं, कैसे स्वार्थ आपको जिन्ना बनाता है, कैसे निस्वार्थ होना आपको गांधी बनाता है। इसी मोड़ पर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आज थोड़ी सी लंबी हो गई, इसके लिए फिर से माफी आप लोगों से। मिलता हूं अगले शनिवार को। बहुत शुक्रिया बुद्ध से कबीर तक टीम और आप सबका मुझे सुनने और ये मौका देने के लिए। नमस्कार।